आज शुरू करते हैं कक्षा 9 की पहला चैप्टर साइंस का, हमारे आज के पदार्थ के भाग दो सेकंड। तो फर्स्ट भाग मैंने पढ़ा कि पदार्थ क्या है, पदार्थ के भौतिक गुणधर्म क्या है, पदार्थ का वर्गीकरण शुद्ध अशुद्ध पदार्थ के रूप में किया, द्रव्य का भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण 5 भागों में किया, जिनमें 3 मुख्यतः ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था, गैस अवस्था। भौतिक अवस्था के आधार पर हमने वर्गीकरण किया था, पहला वो है ठोस पदार्थ की ठोस अवस्था। तो शुरू करते हैं आज पहला ही कि ठोस अवस्था के गुण, कि ठोस कैसे होते हैं, उनमें क्या गुण होते हैं, कैसे पदार्थ ठोस होंगे, ये सब देखेंगे इसमें। कि इसलिए हमें ठोस पदार्थों के गुणधर्म देखने हैं। तो पहला ही टॉपिक आता है ठोस पदार्थों का आकार, जो साइज है, आकार है, वो कैसा होता है, ये तो पता नहीं कितना होगा, लेकिन वो क्या होगा, निश्चित फिक्स होगा, पहले ही निश्चित आकार होगा। ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, इसके अतिरिक्त आयतन, आयतन वो क्या है, वो भी है निश्चित, क्या है, ठोस पदार्थों का आयतन भी क्या है, निश्चित है। अब आती है अगली, एक नंबर हो गया, दो, तीन। अब घनत्व, घनत्व क्या होता है, वो होता है उच्च। घनत्व का मतलब है कम आयतन में कम जगह पर अधिक अणु आना, अधिक अधिक संख्या में कण आना, अधिक पदार्थ आना, अधिक मटेरियल आना, वो है घनत्व। कम स्थान उच्च होने का अर्थ ये है कि कम स्थान पर अधिक मटेरियल आना। तो ध्रुवीय कण है, इनमें उच्च घनत्व होता है, इसका कारण देखेंगे। अगला है संप्रियता, चार नंबर है संपीड़ियता, वो होती है नगण्य, क्यों नगण्य होती है ये भी देखेंगे। संपीड़िता होती है नगण्य, यानी बहुत ही कम, शून्य के आसपास, संपीड़ित नहीं होते, यानी इन्हें दबाया नहीं जा सकता, ये है। और इनकी विसरण की दर, की दर भी क्या होती है, कम, क्या होती है, बहुत ही कम होती है, कह सकते हैं बहुत ही कम, बहुत ही कम होती है, क्योंकि बहुत इसलिए लिखा है क्योंकि ध्रुवों की इनसे अधिक यानी कम होती है। और छह नंबर है कणों के मध्य जो अंतराणु आकर्षण बल है, बल है, वो क्या होता है, पर बल। सात है नंबर है कणों के बीच की दूरी, बहुत ही कम होती है, कम, ये हो गया। इसके अलावा उदाहरण देखते हैं ठोस पदार्थों के, उदाहरण क्या, ठोस पदार्थों के उदाहरण पर हो गया, जैसे लोहा हुआ, पेन, लकड़ी, मेज, लकड़ी से मनी मेज हो गई, ये सब चीज क्या है, हमारे ठोस पदार्थ के उदाहरण। अब एक एक करके देखते हैं ठोस पदार्थ का आकार निश्चित क्यों होता है। ठोस पदार्थ के कणों के मध्य क्या है, प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल है, जो कण है एक दूसरे के साथ प्रबलता से जुड़े हैं, वो एक दूसरे को आपस में जुड़े हुए हैं, मजबूती से जुड़े, साथ ही कणों के बीच की दूरी बहुत ही कम है। अब कम दूरी है तो ये प्रबलता से जुड़े होंगे, तो इनका आकार और आयतन इसलिए निश्चित होता है। अब उच्च घनत्व की बात करते हैं कि उच्च क्यों होता है,
इनके कणों के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल कम होता है, कणों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती, अर्थात कम दूरी में ज़्यादा से ज़्यादा कण आएंगे, क्योंकि प्रबल आकर्षण बल है तो वो मजबूती से जुड़े रहेंगे, और जो दूरी है इनके मध्य वो बहुत ही क्या है, कम है। कम होने के कारण कम स्थान पर अधिक कण आएंगे, इसलिए इनका गंतव्य उच्च है। संपीड़ियता, संपीड़ियता का अर्थ है इन्हें कंप्रेस करके इन्हें किसी सिलेंडर या बर्तन में डाल सकते हैं या नहीं, तो इसका नगण्य का मतलब है नहीं डाल सकते इन्हें। क्यों? कि ठोस पदार्थों के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, इनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, इनके मध्य कोई रिक्त स्थान नहीं होता, स्पेस नहीं होता, ये भी बात नोट करना। अगर हम इन्हें दबाएंगे तो क्या होगा, इनके मध्य कोई स्थान नहीं है और ये क्या हो जाएंगे, दबाने से दबेंगे नहीं बल्कि अधिक बल लगाने पर ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, क्योंकि अंतराणविक दूरी, इनकी दूरी जो निश्चित होती है उससे कम होने के बाद इनका अंतराणविक आकर्षण बल नगण्य हो जाएगा, जिसके कारण ये टूट जाएंगे, अर्थात इनको संपीड़िता कम होती है, इन्हें किसी बर्तन में कम आयतन में नहीं रख सकते। विसरण की दर है, मतलब जहाँ पर ठोस पदार्थ ज़्यादा है वह कम, जहाँ पर ठोस पदार्थ की सांद्रता कम है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का गमन ही विसरण है। विसरण की दर यानी पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कितनी तेजी से जा रहा है वो कम, ये क्या है, बहुत ही कम है, क्योंकि द्रव पदार्थों के कणों के मध्य की दूरी कम है बहुत ही, और अंतराणविक आकर्षण बल है, तो ये इनका उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन बहुत ही मंद गति से होगा या होगा भी नहीं, तो विसरण की दर कम होगी। उदाहरण हुआ लोहे, पैन, मेज, कुर्सी, ये है, एक बार वो देख लें, ठोस आकार निश्चित, आयतन निश्चित, घनता उच्च, संपीड़िता नगण्य, विसरण की दर बहुत ही कम, कणों के मध्य आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, कम होगा, और कणों के बीच की दूरी क्या होगी, नगण्य, बहुत ही कम, नगण्य मान सकते हैं। अब आती है अगली चैप्टर ध्रुवों के बारे में, ध्रुव्यवस्था के बारे में, क्या है ध्रुव्यवस्था, सब चीज यही चीज चलेगी, सब यही चीज देखी जाएगी हमारी, विसरण की दर। अब बात आती है अगली स्टेट ध्रुव्यवस्था की, दो नंबर ध्रुव्यवस्था, अब ध्रुव्यवस्था में पहला ही चीज आती है आकार। आकार में क्या होगा, अनिश्चितता है, आकार में क्या है, अनिश्चितता, फिक्स नहीं है आकार ध्रुव, जैसे जल है एक प्रकार का क्या द्रव्य है, तो जल को जिस बर्तन में डालेंगे वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, द्रव्य जिस बर्तन में इन्हें डाला जाता है द्रव्य उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अब पानी को एक गिलास में रखेंगे तो वह गिलास के आकार का हो जाएगा, उसको किसी बड़े बर्तन में डालेंगे किसी तो उसका आकार ग्रहण कर लेगा, और आयतन क्या है वो निश्चित होगा। अगर एक लीटर जल है वह भले ही गिलास में हो चाहे जग में हो, लेकिन वह रहेगा एक लीटर, लेकिन उसका आकार है वो उस बर्तन के अनुसार हो जाएगा, तो आयतन क्या है, अनिश्चित, आयतन निश्चित होगा, सॉरी आयतन निश्चित होगा, फिक्स होगा। अब पहला ही अंतर आ गया ठोस अवस्था में और द्रव्यवस्था में, आकार अनिश्चित है, गंतव्य क्या होता है, ठोस से कम गैस से उच्च, ज्यादा गैस से यानी मध्यम, इनका घनत्व है वो मध्यम है, यानी गैस से तो ज्यादा है ठोस से क्या कम है, इनकी संपीड़ितता क्या होती है, कम, इनकी विसरण की दर भी क्या है, कम, अंतराणविक आकर्षण बल है वो ठोस से क्या है, से कम, गैस से ज़्यादा, से ज़्यादा, से कमज़ोर ठोस से प्रबल, दूरी ठोस से ज़्यादा और गैस से
से कम यानी मध्यम। अब बात आती है संपीड़ितता भौतिक कम होती, इन्हें भी दबाया नहीं जा सकता क्योंकि इनके मध्य जो रिक्त स्थान है वो ठोस से, तो क्या होता है जो रिक्त स्थान बीच में है एक ये वो क्या है मध्यम है, रिक्त स्थान कणों के मध्य का रिक्त स्थान वो है मध्यम है। मतलब कुछ तो जगह है लेकिन बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए इन्हें भी बहुत ही कम संपीड़ित होती है। विसरण की दर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन भी बहुत ही कम होता है, यानी कुछ होता है ठोस की तुलना में तो ज़्यादा है लेकिन गैस की तुलना में कम है, कम विस्तृत होते हैं क्योंकि इनका द्रव्यमान है एक कण का वो बहुत अधिक होता है और इनके मध्य आकर्षण बल भी ठोस से तो कम होता है इसलिए इसका विसरण दर कम होगी, लेकिन गैस की तुलना में ये क्या है अधिक अधिक प्रबल बंध होता है जिसके कारण ये गति नहीं कर पाता। कणों के मध्य के अंतरणविक आकर्षण बल क्या है, ठोस से तो कमज़ोर होते हैं लेकिन गैस से प्रबल होते हैं, और कणों के बीच की दूरी ठोस से तो ज़्यादा है और गैस से कणों के मध्य की दूरी है। विसरण की दर क्या है, ठोस से तो कम है ज़्यादा है दूरी और अंतरणविक ठोस से क्या कमज़ोर है, इसलिए विसरण की दर कुछ ठोस से तो क्या होगी ज़्यादा होगी, लेकिन गैस से क्या है इनके में प्रबल बल है और ठोस जो ठोस पदार्थ है उन गैस से ज़्यादा से कम दूरी है, तो ये क्या गैस से क्या क्या होंगे कम गैस से क्या होंगे कम विस्तृत, और इनके मध्य जो स्थान होता है वो मध्यम होता है यानी कणों के मध्यम यानी ठोस से तो क्या होगा ज़्यादा और गैस से कम होगा। उदाहरण क्या है जल, सिंपल उदाहरण है जल, पेंट्रोल एल्कोहल डीजल, ये सब उदाहरण है जल पेट्रोल डीजल एल्कोहल ये सब उदाहरण है द्रव्य के। आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, एक लीटर जल है वह एक लीटर रहेगा, आकार जिस बर्तन में डालेंगे उसी का आकार, घनता ठोस से कम और गैस से क्या ज़्यादा होगा अर्थात मध्यम है क्योंकि कणों के मध्य जो बंद है वो थोड़ा ठोस से कम है इसलिए इनका घनता ज़्यादा। संपीड़िता बहुत ही कम, विसरण की दर कम, अंतराणु का आकर्षण बल ठोस से तो कमज़ोर हो गए और गैस से क्या है प्रबल, कणों के बीच की दूरी ठोस से कम और गैस और कणों के मध्य से कम और इनके मध्य रिक्त स्थान हो गया कम। जल पेट्रोल अल्कोहल डीजल ये सब इसके उदाहरण। अब बात आती है गैस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, गैस अवस्था इससे भी क्या हो थोड़ी कम गुणधारी कार्य होती है, कह सकते कम गुण होंगे। बात करते हैं पहले ही गैस अवस्था की, तीन नंबर अवस्था गैस अवस्था, तीन नंबर अवस्था कैसी है गैस अवस्था, गैस अवस्था, गैस अवस्था में पहला आता आकार, गैस का कोई आकार नहीं, क्या गैस का कोई आकार नहीं है तो आकार क्या है अनिश्चित है, अर्थात गैस को क्या है गैस को जिस पात्र में डालेंगे गैस उसी का आकार ग्रहण कर लेगी, पात्र के अनुसार, अगर सिलेंडर में डालेंगे तो सिलेंडर का आकार ग्रहण कर लेगी, किसी और बर्तन में डालेंगे उस प्रकार का आकार ग्रहण कर लेगी, आयतन भी क्या है अनिश्चित, यह भी क्या है पात्र पर डिपेंड करता है, जिस पात्र में हम डालेंगे जिस पात्र में हम गैस को डालेंगे उसी का आयतन ग्रहण कर लेगी, उतना ही आयतन हो जाएगा पात्र के समान गैस का आयतन है। घनत्व क्या है बहुत ही कम, बहुत ही कम है क्यों, कणों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी यही कारण, संपीड़िता बहुत ज़्यादा है, संपीड़िता ज़्यादा इन्हें संपीड़ित कर सिलेंडर में डाला जा सकता है, कम स्थान कम जगह में अधिक गैस डाली जा सकती है। विसरण की दर उच्च है, गैस उच्च द्रव्यमान से उच्च सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले की ओर गमन करती है, जो बल है वो क्या होते हैं बहुत ही कमज़ोर, अंतराणविक आकर्षण बल होते हैं वो कमज़ोर बहुत कमज़ोर,
दूरीभूत ज़्यादा कणों के ज़्यादा, और रिक्त स्थान ज़्यादा बहुत ज़्यादा। बात आती है घनत्व बहुत ही कम होता है, क्यों घनत्व बहुत क्यों कम होता, कणों के बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा होगी, आकर्षण कम है तो कम जगह पर अधिक कण नहीं आ सकते, कण क्या हो जाएंगे बिखर जाएंगे, इसके कारण घनत्व बहुत ही कम है। संपीड़ितता बहुत ज़्यादा क्योंकि इन कणों के मध्य क्या है जो रिक्त स्थान है बहुत ही ज़्यादा है, इस रिक्त स्थान को अब जब हम गैस को संपीड़ित करेंगे प्रेशर द्वारा दाब ताप द्वारा संपीड़ित करेंगे तो वो क्या हो जाएगी संपीड़ित हो जाएगी। विसरण की दर उच्च होती है क्योंकि कणों के बीच में कोई आकर्षण बल है ही नहीं, मान लीजिए बहुत ही कम है तो ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, इसलिए इसकी विसरण दर बहुत ही ज़्यादा होती है। अंतराणविक बल बहुत ही कमज़ोर होते हैं बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण, क्या अंतराणविक बल बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए इस कारण दूरी बहुत ज़्यादा होती है, रेगिस्तान बहुत ही ज़्यादा होता है, ये सब। अब गैस का जो उदाहरण है वो होगी CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, LPG लिक्विड, क्या है द्रवित, द्रवित पेट्रोलियम, इसके उदाहरण होंगे CNG LPG। तो गैस का जो विषण का अवधान देते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने इथर छिड़का तो जिस स्थान पर इथर, जैसे ही वह व्यक्ति किसी स्थान पर जाएगा तो अन्य व्यक्ति को भी इथर की खुशबू आएगी, क्यों क्योंकि वो इथर उच्च सांद्रता कहाँ है जहाँ पर वह लगाया गया है, जिस व्यक्ति ने लगाया है वहाँ पर सांद्रता ज़्यादा है, तो जहाँ पर वह नहीं है तो वह उस पूरे कमरे में उसकी सुगंध फैल जाएगी, जितनी दूरी जितना ज़्यादा होगा उतनी दूरी तय करेगा। इस पर ये क्या है विसरण का उदाहरण है। संपीड़ितता गैस को हम बहुत अधिक गैस को क्या है छोटे सिलेंडर में डाल सकते हैं, ये संपीड़ितता का ही उदाहरण है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा पदार्थ की तीन अवस्था, ठोस अवस्था के क्या गुणधर्म हैं, गैस अवस्था के, द्रव अवस्था के क्या गुणधर्म हैं, गैसीय अवस्था के गुणधर्म क्या है, और इनसे संबंधित उदाहरण पढ़े। अगले भाग में अगला टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए अलविदा।